आज की वीडियो मेरी उन महिलाओं के लिए जो कि चाहती हैं कि वो अपनी स्किन को बेहद खूबसूरत बना दें, अपने बालों को शाइनी और घना बना दें, अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा लें, अपने कमर के दर्द से ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारें। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स आपके शुरू कब होते हैं? जब आप 30+ में आना शुरू हो जाती हैं। लड़कियों का मसला ये होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो एक माँ है, एक बेटी है, एक औरत है जो कि पूरे घर को संभालती है, और उस दौरान वो अपने डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो मेरी उन लड़कियों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खरीद सकती हैं, लेकिन उन्होंने मैं अपने उनको मरते नज़र रखते हुए आज मैंने उनके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो कि 1000 कैल्शियम्स और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है, जिसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। चलें जी, वीडियो में आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। ये सपोर्ट करता है गुड बैक्टीरिया को, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करता है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा करता है, ब्लड शुगर आपका अच्छा करता है, वेट लूज में भी मदद करता है। इसके अंदर कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेरेड एंटीऑक्साइड है। इसके अंदर बहुत से ऐसे एसिड हैं जिससे आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बेहद मुफीद है। आप उन लड़कियों के लिए भी अच्छा है जिनके मंथली साइकिल्स होते हैं, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों के लिए भी बेहद मुफीद है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको मैं तरीका सिखाती हूँ कि इसको लेना कैसे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके अलसी के बीज को रोस्ट करके आपने ग्लेंडर में अच्छी तरीके से इसको ग्लेंड कर लेना है। बहुत ही आराम से आपने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जार से अपना सारा जो एलसी के बीच निकाल देना। आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो है मोरिंगा। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरे लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं बना रही हूँ वो डेली मैं अब लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा कि चलो इसको आप लोगों के लिए बना भी देती हूँ वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो मेरे पास ऐसे अलसी के बीच है और मैंने इसको ग्लेंडर करके इस तरीके से कर लिया है। तो होप आप लोगों को, मैंने आप लोगों के साथ एक जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे फ़ायदे हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को भी फ़ायदे हों। तो मैंने क्या करना है, मैंने अलसी के बीज को और मोरिंगा पाउडर को दोनों को मिक्स करना है और फिर मैंने इनको मॉर्निंग के लिए करनी है। अब जिनको मसला हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वो भी इससे हल हो जाएगा। लेकिन तरीका मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी कि आपने लेना क्या है। आपने अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आपने सबसे पहले इसको डेली बेसिस पर टी स्पून आप लोगों ने लेना है। फिर आपने जाके जब इसकी आदत होना स्टार्ट होगी तो फिर आपने 1 टेबल स्पून स्टार्ट कर देना है डेली बेसिस पे। इसका तरीका ये है कि आपको 15 दिन या 10 दिन सिर्फ आपने इसको बनाना है, क्योंकि इसके बाद ये आप अपनी जो भी क्वालिटी होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं भी हाफ डे के लिए बना के रख रही हूँ और फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करके इसको मैं, ये आप देख रहे हैं ना कि ये 1 वीक के लिए मैं बना रही हूँ इसको, और वीक के लिए बना के मैंने इसको रखा है ताकि मैं नेक्स्ट वीक के लिए दूसरी वीक बना लूँ। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप किसी डॉक्टर को रिकमेंड करके आप इसको लें, क्योंकि जो अलसी के बीज हैं वो थोड़े गर्म होते हैं और अगर इसको सर्दियों में लिया जाए तो बेहद मुफीद है, लेकिन गर्मियों में इसकी मिकदार आप लोगों ने कम लेनी है। और आप लोगों के सामने यहाँ उसने यूसुफ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर पहले उसने यूसुफ रखा हुआ था, इसी वजह से यहाँ इसके ऊपर मैं हर चीज़ के ऊपर नाम लिख देती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना। तो ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना। और आप लोगों ने क्या करना है, सुबह उठते ही आपने एक गर्म पानी का ग्लास लेना है। गर्म पानी मीन्स कि ऐसा कि आप पी सकें, ना कि ऐसा बॉयल पानी, बिल्कुल भी नहीं। वार्म पानी आप से कह सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा मैंने इसको लिया, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आई नो ये ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके करते और आपने इसको कंज्यूम करना है। सुबह उठते ही आपने इस चीज़ को लेना है। अगर आप वेट लूज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये बेस्ट टाइमिंग है कि आप इसको गर्म पानी, निम गर्म पानी के अंदर ऐड करें और फिर इसको लें। मोरिंगा के लिए आप लोगों ने अगर जानना चाहते हैं तो मेरी एक पुरानी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको देख सकें और आप लोगों को पता चले कि मोरिंगा के क्या फ़ायदे। तो ये दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके इसीलिए रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने इसको
फर्स्ट जो मेरा मील होता है वो ये होता है, जिसमें बेहद हर चीज़ होती है, और सुबह उठते ही आपको अगर इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ तो क्या ही बात है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन लेकिन एक बात, आप लोगों ने अगर इसको यूज़ करना है तो आपने हाफ टेबल हाफ टी स्पून की तरह इसको यूज़ करना है, ताकि आपको आपकी बॉडी को पता चले कि आपने एक नई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर इंटर की है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए, तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपकी बॉडी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि आपने बेहद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना कि आपने पानी कम पीना, क्योंकि जो अलसी के बीज हैं उसमें बेहद वो पानी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग पानी ज़्यादा पिए। अगर आप लोग पानी के साथ नहीं पी सकते तो आप दही के साथ, आप किसी भी अपनी स्मूदी के साथ ले सकते हैं, तो ये ऑल अप टू है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ आप मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।